हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल RK एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने RRB NTPC स्पेशल जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 7 लेकर आया हूँ। हर पार्ट की तरह हम इस पार्ट में भी जो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है वो डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये कई एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, पूछा गया है जो प्रोजेक्ट लून है, जो लून नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि एक सर्च इंजन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है प्रोजेक्ट, जो कि ये प्रोजेक्ट है ये इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है जो रूरल और रिमोट एरियाज है वहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन है गूगल। ये जो प्रोजेक्ट लून है ये गूगल कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। देखिए, जो प्रोजेक्ट लून है इसमें जो ये अल्फाबेट कंपनी है जो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उससे के अंडर में ये प्रोजेक्ट है, और जो ये कंपनी है इसने इस प्रोजेक्ट के अंडर में जो हाई एल्टीट्यूड्स पे लगभग 18 किलोमीटर की हाइट पे जो स्ट्रेटोस्फीयर में हाई एल्टीट्यूड से बैलून जो कि हीलियम गैस के भरे हुए हैं उनके थ्रू ये इंटरनेट कनेक्टिविटी देती है इस प्रोजेक्ट के अंडर में, और जो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है वो एरियल वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करता है लगभग 1 MBPS स्पीड तक का। और जो ये प्रोजेक्ट है ये अनऑफिशियली तो 2011 में स्टार्ट हुआ था और ऑफिशियली ये 2013 में अनाउंस हुआ था जो गूगल कंपनी है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा 2015 साल में, वो कौन सा सैटेलाइट था। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, GSAT-15। देखिए, GSAT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो ये GSAT-15 सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया था जो हमारा D2H जो डायरेक्ट टू होम टेलीविजन और VSAT सर्विसेज हैं उनको ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करने के लिए। ओके, और जो ये ऑपरेटर है इसका, जो ये लॉन्च किया गया GSAT-15, इसका ऑपरेटर है इसरो, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लॉन्च किया गया था कोरू फ्रेंच गिनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है जो नागालैंड है वहाँ की कैपिटल क्या है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, और जो नागालैंड के करंट में CM है उनका नाम है नेफ्यू रियो, और जो करंट गवर्नर है उनका नाम है RN रवि, और जो नागालैंड स्टेट है वो 1 दिसंबर 1963 को इंडिया का 16वां स्टेट बना था। और जो ये नागालैंड स्टेट है, जो नागालैंड राज्य है, इसके ईस्ट में म्यांमार देश है और नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश स्टेट है हमारा, और वेस्ट में असम स्टेट है और साउथ में मणिपुर स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो स्वराज पार्टी है उसके फाउंडर कौन थे। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। देखिए, जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी वो 1923 में बनाई गई थी और इसके जो मेन फाउंडर थे वो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी थे, और इसको जो स्थापित किया गया था वो एज ए कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी किया गया था, यानी इसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। और जो ये स्वराज पार्टी बनाई गई थी इसका कंसेप्ट था रिलेटेड स्वराज से। स्वराज का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंस, यानी हमारी स्वतंत्र होना, या फिर सेल्फ रूल, अपना स्वयं का शासन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU है उसने 2016 में 100 साल कंप्लीट कर लिए, तो ये कब किनके द्वारा फाउंड की गई थी। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय, जो मदन मोहन मालवीय जी है इसके फाउंडर थे। देखिए, जो ये BHU है ये 1916 में इस्टेब्लिश की गई और इसको पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता है और ये वाराणसी UP में स्थित है। इसके जो और फाउंडर्स हैं मदन मोहन मालवीय जी के अलावा वो थे महाराजा ऑफ दरभंगा जिनका नाम था रामेश्वर सिंह, और सुंदरलाल जी,
और एनी बेसेंट जी, जो करंट वाइस चांसलर है BHU के, उनका नाम है राकेश भटनागर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का गुड कंडक्टर नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोर्सलिन। देखिए, जो मेनली मोस्ट ऑफ सिरामिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि पोर्सलिन है सिरामिक मटेरियल, वो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मीन्स वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जो सिरामिक्स होते हैं, सिरामिक मटेरियल्स, उनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है जो उनके जो एटम्स होते हैं उनको होल्ड करती है, क्लोजली वैली स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को नहीं अलाउ करती, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। जो कुछ बेस्ट कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनके मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, वो हैं जैसे कि सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया जो ICT है वो किस चीज़ की एब्रीवेशन है, किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारा जो, यानी यहाँ पे ICT की फुल फॉर्म पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, जो ICT है, ये जो हमारी IT होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी एक एक्सटेंशनल टर्म है, और ये शो करती है जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन लाइंस और जो वायरलेस सिग्नल्स होते हैं और कंप्यूटर होते हैं, उनके रोल को ये शो करती है। ICT जो स्कूल्स में लॉन्च की गई थी, वो 2004 में लॉन्च की गई थी और 2010 में इसको रिवाइज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे कौन से पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट के इतिहास में 4 लगातार सेंचुरीज बनाई हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के एक क्रिकेटर हैं। उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहाँ पर जो 4 लगातार सेंचुरीज बनाई थी। उसके बाद जो हमारे पहले इंडियन बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में 6 सेंचुरीज बनाई थी लगातार। और जो ये 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। नेक्स्ट जो हमारा 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो जो सेकंड वर्ल्ड वार था, जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था, उसके दौरान जो सबमरीन्स होती थी उनको ट्रैक करने के लिए डेवलप की गई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनार। देखिए, जो सोनार होता है उसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और ये जो टेक्निक है ये यूज होती है जो डिस्टेंस पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी, उनको डिटेक्ट करने के लिए और उनकी डिस्टेंस और डायरेक्शन को पता लगाने के लिए ये यूज होती है, और इसमें साउंड वेव्स का यूज होता है। क्या होता है इसमें बेसिकली, जो इसकी प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो सोनार डिवाइस होती है वो अपनी साउंड वेव्स की पल्सेस को भेजती है और वाटर के थ्रू भेजती है इनको, और जो ऑब्जेक्ट्स से जब ये टकराती हैं, जैसे कि कोई फिश हुई या फिर वेजिटेशन और या फिर बॉटम पे, जो समुद्र के बॉटम पे टकराती हैं, तो वापस आती हैं फिर ये टकरा के, तो सोनार डिवाइस है जो वो कैलकुलेट कर लेती है कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, कितने टाइम में ये उन्होंने दूरी तय की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है, जो एक एडल्ट वुमेन होता है उसकी पूरी जो डाइजेस्टिव, पूरी जो पाचन की जो नली होती है, ट्रैक्ट होती है, वो मुंह से लेकर एनस सिस्टम तक कितने मीटर लेंथ होती है इसकी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 मीटर, लगभग 9 मीटर ये लेंथ होती है। और जो ट्यूब होती है माउथ से लेकर एनस तक, ये इसका नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोलते हैं हिंदी में, उसकी लंबाई होती है 6.25 से 7.5 मीटर के बीच, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं, उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। और जो ओइसोफेगस होती है, जिसको ग्रास नली बोलते हैं हिंदी में, उसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक मटेरियल है जो कि एल्केलाइन नहीं है। तो यहाँ पे इन ऑप्शन में हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर। सल्फर एक एल्केलाइन मटेरियल नहीं है। ओके, देखिए, जो एल्केलिनिटी होती है उसका मतलब होता है जो मटेरियल की pH है वो 7 से ज़्यादा है, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है।
जो ह्यूमन बॉडी होती है नेचुरली वो भी स्लाइटली उसमें पीएच होती है, जो ब्लड की पीएच मेनली वो 7.4 से ज़्यादा होती है। ये भी एल्कलाइन नेचर को, एल्कलिनिटी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है कौन सी एलिमेंट है, एलिमेंट होता है बीमारी, जो डिजीज टाइप होती है, जो कि हार्ट से रिलेटेड नहीं है। नॉट पूछा गया है, इन ऑप्शन में से कौन सी बीमारी है जो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा आंसर जो ऑप्शन सी, डिफ्थेरिया। जो डिफ्थेरिया डिजीज है वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो बीमारियाँ हैं जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हैं, एलिमेंट्स हैं। जो डिफ्थेरिया है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि नोज और थ्रोट, जो हमारा गला और नाक होता है, उसको ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया यूरो है जो वो कहाँ की करेंसी है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा आंसर सी, ऑप्शन सी है जो सही ऑप्शन होगा, यूरोजोन। जो यूरोजोन है वहाँ की करेंसी है यूरो। और जो ये यूरोजोन है ये एक यूरो का एरिया है, जो कि 19 जो मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के, उनके द्वारा मिलके बना गया है। टोटल जो मेंबर्स हैं यूरोजोन में वो 27 है, लेकिन 19 मेंबर्स की जो करेंसी है वो यूरो है। उन्होंने ये एक मॉनेटरी यूनियन बनाई है मिलके। जो डेनमार्क है वहाँ की करेंसी है डेनिस क्रोन, और जो स्वीडन है वहाँ की करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और जो यूके है वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया जो गन पाउडर है मेनली कंटेंस, उसमें मेनली क्या होता है, यानी मेनली गन पाउडर किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटाशियम नाइट्रेट। जो मेन मटेरियल होता है गन पाउडर में वो होता है पोटाशियम नाइट्रेट। देखिए जो गन पाउडर होता है मेनली उसमें तीन मटेरियल होते हैं। सबसे पहले पोटाशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3, ये 75% होता है, इसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो होता है सल्फर, ये 10% होता है, और फिर वुड चारकोल होता है 15%। नेक्स्ट जो ये गन पाउडर है इसको सबसे पहला केमिकल एक्सप्लोजिव माना जाता है, और इसकी डिस्कवरी जो हुई लगभग चाइना में हुई है 9th century के आसपास, यानी 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। जो ईंटों की बनी हुई बिल्डिंगें थी वहाँ की उस टाइम की, वो मेन फीचर था यहाँ का। जो हरप्पन पीपल थे वो जो ब्रिक थी, ईंट बनाते थे, उसके लिए वो कले, मिट्टी या फिर मड यूज करते थे। और जो आर्किटेक्ट होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो मेनली जो द्राविडियन पीपल्स होते थे, द्राविड पीपल वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो NGT है उसकी क्या फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए जो NGT की स्थापना हुई थी वो NGT एक्ट 2010 के अंडर में हुई थी, और ये एक स्पेशल बॉडी होती है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी जो केसेज होते हैं उनको ये उनका निपटारा करती है। और जो मेन जो 5 प्लेसेज हैं जो सिटिंग होती हैं जो NGT की इंडिया में, वो होती है मेनली एक तो हेड क्वार्टर है जो न्यू दिल्ली में, और बाकी जो 4 प्लेसेज हैं वो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। जो करंट चेयरमैन है NGT के वो हैं आदर्श कुमार गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो 2012 के ओलंपिक्स थे उनमें सबसे जो मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स हैं वो कौन से देश ने जीते। तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए जो 2012 में ओलंपिक हुए थे वो लंदन में हुए थे, और वो 30वां एडिशन था इन गेम्स का। 2016 में जो गेम्स हुए ओलंपिक गेम्स वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए, ये 31वां एडिशन था, और उस टाइम में भी USA ने मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स जीते थे। उसके बाद जो 2020 के ओलंपिक गेम्स हैं वो होने थे अभी टोक्यो में, लेकिन COVID-19 की वजह से वो 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। 2024 के ओलंपिक गेम्स की वेन्यू है पेरिस, और 2028 के ओलंपिक गेम्स की जो वेन्यू है वो है लॉस एंजेलस, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है जो इंडिया है वो ब्रिटेन की जो क्राउन थी उनके डायरेक्ट रूल के अंडर किस साल में आया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858 में, 1858 में। देखिए 1858 से पहले जो रूल होता था इंडिया पे वो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का।
1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो ब्रिटेन की क्राउन थी जिनका नाम था क्वीन विक्टोरिया, ओके, उनके अंडर में ये ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जो 1876 में इंडिया की जो ये क्वीन विक्टोरिया थी, इन्होंने इंडिया की, इनको इंडिया की एम्प्रेस यानी जो रूलर थी वो घोषित कर दिया गया। और ये जो शासन चला ब्रिटेन क्राउन का, ये 1947 तक चला था, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया जो नासा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में। ओके, नेक्स्ट, जो नासा है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा बनाई गई थी 1958 में। इससे पहले 1915 से 18 के बीच इसका जो नाम था वो था नाका, NACA, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। जो नासा है वो US फेडरल गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जो कि जो सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं और एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो इंडिया है, भारत है, वो अर्थ का जो लैंड एरिया है उसका कितने परसेंट एरिया कवर करता है लगभग। तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, 2.4%। 2.4% एरिया पूरे लैंड एरिया का अर्थ के इंडिया कवर करता है। देखिए जो एरिया वाइज जो 7 कंट्रीज हैं टॉप, उनके नाम बताता हूँ मैं, वो है रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। जो इंडिया है वो 7th कंट्री है एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में। और पॉपुलेशन वाइज इंडिया का जो प्लेस है वो है 2nd प्लेस, दूसरे स्थान पे है चाइना के बाद। पहला स्थान चाइना का है, दूसरे पे इंडिया पॉपुलेशन वाइज। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 17.5% है टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन वाइज मैं टॉप कंट्रीज के नाम बताता हूँ, वो है चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राज़ील। ओके, तो फ्रेंड्स जो आज के हमारे 20 क्वेश्चन से वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए और उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, उससे आपको हमारी सभी वीडियो लेक्चर्स के बारे में नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू।